मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है नोबडी नोज। डायरेक्टर है हीरो काजू कोरिडा और आईएमडीबी रेटिंग 8 है। ये मूवी 1988 सुगामो चाइल्ड अबैंडनमेंट केस से प्रभावित होकर बनाई गई है, जो जापान की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक है। केको फुकुशिमा अपने 12 साल के बेटे अकीरा के साथ टोक्यो शहर के एक अपार्टमेंट में आज ही शिफ्ट हुई है। आते ही सबसे पहले वो ऊपरी मंजिल में रह रहे मकान मालिक से मिलने गई। उसने बताया कि उसका हस्बैंड विदेश में काम करता है, तो बस माँ बेटे ही यहाँ रहेंगे। मकान मालिक के पूछने पे केको ने बताया कि अकीरा 6 क्लास में है और बड़ा ही होनहार बच्चा है। तभी सामान से भरा ट्रक बिल्डिंग के नीचे आ पहुँचा। सामान कुरियर वाले कमरे तक पहुँचा रहे हैं, मगर 2 ट्रॉली वो लोग बड़ी सावधानी से ऊपर तक ले आए। सबके चले जाने के बाद जब उन ट्रॉली को खोला गया, उसमें से 2 बच्चे निकले, 5 साल की यूकी और 7 साल का शिगेरू। शाम होने पे अकीरा स्टेशन जाकर एक और लड़की को ले आया, जो बहुत देर से वहाँ बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी। ये है 11 साल की कोयोको। ये 4 भाई बहन हैं। इनकी माँ तो केको ही है, लेकिन बाप अलग अलग हैं। रात को सब खाने की टेबल पे इकट्ठा हुए। केको उन्हें समझा रही, शोर बिल्कुल मत मचाना, बालकनी में मत जाना, बाहर सिर्फ अकीरा को जाने की इजाज़त है। किसी को ना पता चले कि इस घर में अकीरा के अलावा भी और 3 बच्चे रहते हैं। केको अक्सर काम का कहकर हफ्तों बाहर रहती और तब घर की सारी जिम्मेदारी अकीरा पे आ जाती। अगली सुबह केको तैयार होकर काम पे निकल गई और जाते हुए कहा, मुझे आने में देरी होगी। उसके जाने के बाद अकीरा ने बाकी बच्चों को उठाया। धीरे धीरे बच्चे सामान बॉक्स से निकालकर जगह जगह रखने लगे। कोयोको को किताबों और पियानो का शौक है। उसके पास एक लाल रंग का छोटा सा पियानो है। अब अकीरा बाजार के लिए निकल रहा है। नन्ही युकी ने आवाज दी, भैया मेरे लिए चोकोस लाना। अकीरा चीजों का मोल भाव देख रहा है। महंगी चीजें नहीं ले सकता, क्योंकि इतने पैसों में उसे सब कुछ लाना है। रास्ते में वो सारी दुकानों पे लिखे नाम पढ़ता हुआ जा रहा है। वो वापस घर आया, सब्जियां धोकर उन्हें काटा और अब खाना बना रहा है। कोयोटो कपड़े सुखा रही है। सभी के खा चुकने के बाद दोनों ने मिलकर बर्तन साफ किए, सारा काम खत्म किया और फिर अकीरा किताबें लेकर बैठा। आधी रात को केको आई। अकीरा और कोयोटो दोनों जगे हुए हैं। दोनों ही माँ के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं, मगर तभी केको का फोन आ गया और वो दूसरे कमरे में चली गई। अगली सुबह अकीरा की नींद जल्दी खुल गई। उसने देखा कि बंद आंखों से भी उसकी माँ के पलकों पे आंसू लगे हैं। वो कुछ देर उसे देखता रहा। आज रविवार है। केको ने पूरा दिन बच्चों के साथ बिताया। कोयोको के बाल सवारते वक्त वो बोली, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। केको बोली, स्कूल जाने में कोई मजा नहीं, वैसे भी तुम्हारे पास पापा नहीं है तो बच्चे तुम्हें बहुत चढ़ाएंगे, कहकर उसे चुप करा दिया। दोपहर में अकीरा के साथ बालकनी में गद्दे सुखाते हुए केको बोली, तुम्हारी माँ को प्यार हो गया है, मगर ये बाकियों की तरह नहीं है, बहुत अच्छा है, मुझे समझता है, और उसने कहा है कि एक दिन वो मुझसे शादी करेगा, तब हम सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हम सब मिलकर एक बड़े से घर में रहेंगे, तुम लोगों को मैं स्कूल भेज पाऊंगी। लेकिन अकीरा कुछ नहीं कह रहा, शायद इसीलिए क्योंकि वो ये सब पहली दफ़ा नहीं सुन रहा। इसके पहले भी कई दफ़ा केको को प्यार हो चुका है। क्या करे, उसकी भी तो उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी सी उम्र में गलत फैसलों के सैलाब में यहाँ तक का सफ़र कैसे पूरा हुआ, उसे खुद विश्वास नहीं होता। 4 बच्चे, अकेली माँ, बाप का या तो कोई अता पता नहीं या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तकरीबन रोज ही केको देर से घर आती। उस रात अकीरा ने उसे किसी आदमी के साथ टैक्सी से उतरते हुए देखा। नशे में धुत वो घर के अंदर आई। बातों बातों में उसने अकीरा को देखकर कहा, तुम बिल्कुल
अपने पापा की तरह दिखने में होते जा रहे हो। वो एयरपोर्ट में काम करता है। याद है तुम्हें अकीरा, बचपन में जाया करते थे। अकीरा खामोश है, फिर वो कोयोको से बोली, तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम म्यूजिक डायरेक्टर थे और मैं एक छोटी सिंगर थी। हमारी एक एल्बम रिलीज होने वाली थी, सब बढ़िया चल रहा था, मगर एक दिन अचानक काम रुक गया। फिर उसने कोयोको को अपनी एक गुलाबी नेल पॉलिश लगाई, जो कि नशे की वजह से सही से लगी भी नहीं। खैर, रात जैसी भी थी गुजर गई। सुबह अकीरा ने टेबल पे पड़ी अपनी कॉपी के ऊपर एक लिफाफा रखा देखा, जिसमें कुछ 1000 रुपए हैं और लिखा है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ रुपए छोड़ा है, सबका ख्याल रखना। बालकनी में कपड़े धो रही कोयोको को ये बात बताकर वो बाजार के लिए निकल गया। रास्ते में वो सोचता हुआ जा रहा है, घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल। अकीरा को कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक है, खरीदने में पैसे बर्बाद ना हो, इसीलिए वो अक्सर एक शॉप में खड़ा होकर कॉमिक्स बुक पढ़ता है। आज भी जब वो पढ़ने में मशगूल है, बदमाश बच्चों ने उसके बैग में कुछ डाल दिया। जब वो जाने लगा, दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ करने लगा, उसका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, कौन सा स्कूल। आधे से ज्यादा जवाब तो अकीरा के पास है ही नहीं। तभी शॉप में काम करने वाला एक लड़का ने बताया कि उसने कुछ लड़कों को ऐसा करते देखा है, इसमें अकीरा की कोई गलती नहीं। दुकानदार ने उसे जाने दिया और साथ ही मुफ्त में कुछ सामान बांध दिए। अब घर पे अकीरा और कोयोको आज हुए खर्चे का हिसाब जोड़ रहे हैं। बगल में यूकी और शिगेरू बैठे हैं। अब तो महीना भर होने को आया, पर कीको की कोई खबर नहीं। पैसे भी खत्म हो रहे हैं। आधी रात नींद खुलने पे अकीरा ने एक दो जगह फोन लगाया, पर किसी ने नहीं उठाया। अगले दिन वो मोनोरेल पे बैठकर अपने असली पिता के पास गया। वो एक कंपनी में ड्राइवर है, नाइट ड्यूटी खत्म कर गाड़ी में सो रहा है। अकीरा उसके जागने का इंतजार करने लगा। जागने पे उस आदमी ने उसकी माँ कीको और यूकी के बारे में पूछा। शायद अकीरा और यूकी असल के भाई बहन हैं, लेकिन जिस वजह से वो आया था, कुछ पैसों की मदद, वो नहीं मिली। अब वो एक और आदमी के पास गया, उसके भी कीको से संबंध थे। उसने अकीरा को कुछ पैसे दे दिए। अकीरा को बड़ी राहत मिली कि घर का खर्च कुछ दिन और चल सकेगा। कीको और अकीरा ने जिस तरह घर पे ही किताबों के सहारे पढ़ाई सीखी, उसी तरह वो दोनों छोटे भाई बहन को घर पर ही पढ़ाते हैं। आज अकीरा ने हिसाब किया, उसके पास सिर्फ 4,897 रुपये हैं। पता नहीं कीको कब आएगी, अगले महीने कौन उन्हें पैसे देगा। तभी दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। कीको आई है। दोनों बच्चे उसे जाकर लिपट गए, पर थोड़े समझदार हो चुके कोयोको और अकीरा दूर ही खड़े रहे। वो उनके लिए खिलौने और गिफ्ट्स लाई है। कोयोको ने पूछा, आप एक महीने से काम कर रही थी। कीको बोली, मैं काम से ओसाका गई थी ना, बहुत दूर है वो जगह। फिर कोयोको और कुछ नहीं बोली। बच्चे हमेशा तो बच्चे नहीं रहते, एक दिन वो इतने बड़े हो जाते हैं कि खामोशी की जुबा बोलने लगते हैं। एक पूरा दिन बच्चों के साथ मन बहलाने के बाद फिर उसी शाम कीको अपने सारे महंगे कपड़े बैग में भर रही है। बगल में बच्चे खड़े उसे देख रहे हैं। तुम सब घबराओ मत, मैं क्रिसमस तक लौट आऊंगी और फिर हम सब मिलकर न्यू ईयर मनाएंगे, कीको बोली। अकीरा उसके साथ सामान लेकर स्टेशन जा रहा है। रास्ते में वो बोला, क्या आपने अपने नए बॉयफ्रेंड को हमारे बारे में बताया है। कुछ देर चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुड़कर वो बोली, मैं बता दूंगी उसे, इतनी जल्दी क्या है। ट्रेन का इंतजार करते हुए अकीरा ने पूछा, आप हमें स्कूल कब से भेजेंगी। कीको बोली, स्कूल कौन जाता है, बहुत बड़े बड़े लोग कभी स्कूल भी नहीं गए, जरूरत नहीं इसकी। अकीरा बोला, आप बहुत खुदगर्ज हो, हमें अकेला छोड़कर चली जाती हो। कीको बोली, सबसे बड़ा खुदगर्ज तो तुम्हारा बाप है,
जिसे हमारी कोई परवाह ही नहीं। क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं? इस चक्कर में मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। कीको ने वादा किया कि वो इस बार समय से पैसे भेज देगी। दिन बीतने लगे। दोनों बच्चे अकेले कमरे में खेलते रहते। कोयो को कभी खिड़की से बाहर झांकती और कभी अपने छोटे से लाल रंग के पियानो को बजाती, और अकीरा उनके लिए कभी घर के अंदर कभी बाहर आते जाते रहता। देखते देखते क्रिसमस का दिन आया। अकीरा एक केक शॉप के सामने काफ़ी देर से खड़ा है। ठंड पड़ रही है पर वो घंटों से वही खड़ा है। वो वहाँ केक के दाम गिरने का इंतज़ार कर रहा है। घर पे उसके छोटे भाई बहनों ने एक केक की आस लगा रखी होगी। अगले दिन उसने केकों के काम करने वाली जगह फ़ोन लगाया, जहाँ वो एक सेल्स गर्ल है, तो पता चला अब वो वहाँ पैसे कम होने की वजह से वो लोग अक्सर रेडीमेड नूडल्स ही खाते। उस रात शिगेरू ने उसे एक लेटर दिखाया जो कीको के नाम आज ही कोई कावासाकी जगह से आई है। अकीरा ने उस पे दिए नंबर पे फ़ोन लगाया। उस तरफ किसी ने यामाटोसो नाम बताया, पर अकीरा ये आवाज़ पहचानता है। ये उसकी माँ कीको की आवाज़ है। थोड़ी देर हेलो हेलो सुनने के बाद उसने चुपचाप फ़ोन रख दिया और अपने छोटे भाई बहन की ओर देखने लगा। अगले दिन वो उसी शॉप में काम करने वाले से मिलने गया जिसने उस दिन उसे बचाया था, और उससे 4 पोस्टकार्ड्स लिखवाए, योकी, शिगेरू, कोयोको और एक खुद के नाम अकीरा पे। घर जाकर उसने सबको उनके नाम के कार्ड्स देते हुए कहा, माँ ने सबके लिए नए साल में पैसे भेजे हैं। वो बच्चा और क्या करता, उसकी उम्मीद तो ख़त्म हो ही रही है। वो इन छोटे छोटे भाई बहनों की उम्मीदों को कैसे नहीं थामता। यूकी बोली, मुझे तो गुड़िया चाहिए, शिगेरू को एक रोलर स्केट, और कोए को पियानो के लिए पैसा जमा कर रही है। और तुम्हें क्या चाहिए अकीरा, कोएको ने पूछा। एक बेसबॉल ग्लव्स। जनवरी महीने में ही यूकी का जन्मदिन पड़ता है। आज ना जाने क्यों वो बार बार कह रही है, माँ से मिलने मुझे स्टेशन जाना है। कोयोको उसे समझाने की कोशिश कर रही पर वो जिद लेकर बैठी है। तब अकीरा उसे तैयार कर उसका पसंदीदा जूते पहनाकर बाहर घुमाने ले गया। ये जन्मदिन वाकई में यादगार है क्योंकि 5 साल में पहली बार उसे बाहर की दुनिया देखने का मौका मिला। उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों ने अकीरा को बड़ा कर दिया है, मगर है तो वो एक 12 साल का बच्चा ही। वो आते जाते लड़कों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखता है, उनके साथ खेलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। जल्द ही उसी के हम उम्र 2 नए दोस्त बने जो पहले उसके कभी नहीं बने थे। उनसे दोस्ती बनाए रखने के लिए अकीरा उन पे घर के किराए और बिजली के बिल के पैसे खर्च करने लगा। फिर उनके साथ वो पूरा पूरा दिन बिताना शुरू कर दिया, और अब वो उसके घर नया वीडियो गेम खेलने भी आने लगे। घर के बाकी भाई बहन को वो ज़रा भी नहीं पसंद क्योंकि वो शोर मचाते हैं, चीज़ें तोड़फोड़ करते हैं, पर अकीरा फिर भी खामोश रहता। लेकिन इस बार बात हद से ज़्यादा बढ़ गई जब वो दुकान से सामान चुराने लगे। अकीरा ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी दोस्ती भी बस मतलब की निकली। जब अकीरा के पास पैसे खत्म हो गए तो सारी दोस्ती भी खत्म हो गई। वो स्कूल के बाहर उनके छुट्टी होने का इंतज़ार करता पर वो उसे अनदेखा कर चले जाते। वहीं उसकी मुलाकात साकी से हुई जिसे बाकी लड़कियां बुली कर रही है। जब वो घर लौटा तो नन्ही यूकी उसकी कमीज की बाजू पकड़े उसे देखने लगी। उसे भूख लगी है। अकीरा उसी दुकान वाले के पास काम मांगने गया, मगर उसकी उम्र नहीं काम करने की, उसे नहीं रखा गया। घर आकर वो गुल्लक में से सारे पैसे निकालकर गिनने लगा। तभी कोयको ने उसी लिफाफे के पैसे वापस कर दिए। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि वो लिखा उनकी माँ की हाथों का नहीं। उन्होंने भी मान लिया कि बस अब वही एक दूसरे के लिए है।
इसीलिए आज अकीरा सबको बाहर ले गया। वो सड़कों में दौड़ रहे हैं, खुली हवाओं को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें खरीदी और देर दोपहर तक पार्क में खेले। आज उन्होंने बहुत मस्ती की, पर मुसीबत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घर आकर देखा, बिजली और पानी का बिल ना भरने की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है। अगले दिन से सभी उसी पार्क में पानी लेने, नहाने, कपड़े धोने के लिए जाने लगे, जहां फिर से उसे साकी मिली। वो भी उनके साथ घुल मिल गई। घर की हालत बहुत ही खराब है, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है, कुछ चिल्लर पैसे पड़े हैं, फ्रिज भी खाली है। पर एक चीज उसने गौर की कि उनकी बालकनी में पौधे बहुत हरे भरे हैं, जो उनकी एक दूसरे के प्रति प्यार और तवज्जो को दिखाता है। अब साकी उनके यहाँ अक्सर आने जाने लगी। अकीरा की हम उम्र होने की वजह से दोनों एक दूसरे को ऐसा लगता है कि पसंद करने लगे हैं, क्योंकि साकी से मिलने से पहले अकीरा बार बार अपने कपड़े बदल रहा है और आज तो उसने बाल भी शैम्पू से धोए हैं। एक दिन साकी ने पूछा, तुम्हारी माँ कब लौटेंगी? शायद कभी नहीं। उस दिन मकान मालिक किराए लेने आई और दरवाज़ा खोलते ही घर की हालत और फर्श पर बैठे बच्चों को देखकर वापस चली गई। अब यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्यों यूकी हमेशा थकी थकी रहती है और दिन के ज़्यादातर वक्त सोकर बिताती है। उन सबकी ऐसी हालत देख साकी ने कहा वो उनकी मदद करना चाहती है। उसने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक डेटिंग ऐप में प्रोफाइल बनाई, जहाँ डेट पे जाने के पैसे मिलते हैं। जब वो उस आदमी के साथ अंदर रेस्टोरेंट में है, अकीरा उसका बाहर इंतज़ार कर रहा। जब उसने उससे कमाए पैसे अकीरा को देना चाहा, वो वहाँ से भाग गया। उसे लगा कि ये कोई गलत काम है। उस दिन के बाद से ही दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया। अब वो उनके घर भी नहीं आती। लगातार खाने की तंगी बढ़ती जा रही है। पहले तो एक बार खाना नसीब भी हो जाता था और अब दो तीन दिन में एक बार। सब दिन भर घर पे इधर उधर पड़े रहते हैं। एक दिन अकीरा ने शिग्योरो को कुछ चबाते हुए पाया। मुंह खोलने पे देखा वो कागज़ चबा रहा है। तुरंत कुछ चिल्लर जुटाकर वो उसके लिए दो डब्बे रामन ले आया, पर अगले दिन फिर कोई खाना नहीं। अकीरा से अपने भाई बहनों की उम्मीद से भरे चेहरे देखे नहीं जाते। वो आखिरकार करे भी तो क्या। एक दिन वो यूं ही घर से निकल गया। जब वापस लौटा तो देखा यूकी चेयर से गिरकर बेहोश पड़ी है। पास में सहमे से शिगेरू और कोयो को बैठे हैं। क्या करे वो, जेब में पड़े चिल्लर लेकर वो टेलीफोन बूथ की तरफ भागा। उसने केको की नई काम करने वाली जगह पे फ़ोन लगाया, मगर उसका नाम सुनने के बाद वो फ़ोन पर नहीं आई और कुछ देर बाद फ़ोन खुद ब खुद कट गया। दोबारा फ़ोन लगाने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं। अब वो एक दवाई की दुकान पे खड़ा है। बिना दवाई लिए वो घर कैसे जाए? जिंदगी में पहली दफ़ा उसने चोरी की, पर अगले दिन तक यूकी ने दम तोड़ दिया। तीनों भाई बहन उसे घेर कर बैठे हैं। ये बेबसी और लाचारी का कैसा मंजर है, दूर दूर तक कोई मदद के लिए नहीं। अकीरा सड़क पर खड़ा है, हर तरफ लोगों की भीड़ है, मगर फिर भी अकेला है, जैसे वो किसी को दिख ही नहीं रहा। एक बार फिर अपनी उसी दोस्त साकी के दरवाजे पे बैठा है। उसे पूरी बात बताई और मदद के लिए कुछ पैसे उधार मांगे। उसने यूकी के मनपसंद चौकोस के ढेर सारे डब्बे लिए। घर पहुंचकर उसे कोयोको ने आज ही एक आया लिफाफा दिया। केको ने कुछ पैसे भेजे हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसने यूकी के सर पे प्यार से हाथ फेरा और जिस बक्से में उसे इस घर में लाया गया था, उसी बक्से में उसके खिलौने, चोकोस और पसंदीदा जूते पहनाकर भर दिया गया। लेकिन अब वो इसमें समा नहीं रही। लगता है यूकी बड़ी हो चुकी है। साकी और अकीरा यूकी को लेकर निकले।
बाजार से होते हुए रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए जब पुल पार कर वो पहुंचे, ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। ऐसा लग रहा है मानो यूकी की अंतिम यात्रा उसके सभी शौक के साथ पूरे हो रहे हैं। एक खुले मैदान में पहुंचकर उन्होंने यूकी को दफन कर दिया और भोर होने तक उसके पास बैठे रहे। मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू।